أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون अल्लज़ीना वो तमाम अशख़ास युन्फिकून जो इन्फाक करते हैं जो खर्च करते हैं अमवालहुम अपने मालों को फ़ी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में सुम्मा ला युत्बिऊना फिर उसके पीछे नहीं करते इत्तबा नहीं करते मा अनफकू यानी अपने इन्फाक कर देने के बाद फिर नहीं करते मन्नन एहसान का जितलाना वला आज़ा और ना ही अज़ियत ना ही कोई तकलीफ़ यानी किसी पर अल्लाह की राह में माल बज़ाहिर लगाया और लगाने के बाद जिसको माल दिया है उसको ना एहसान जतलाते हैं ना उसको कोई तकलीफ़ देते हैं अजरुहुम अजर सिला बदला मुआवजा सिला हमारी ज़बान में इस्तेमाल लहुम उनके लिए है अजरुहुम उनका अजर इंदा रब्बिहिम इंद पास करीब नज़दीक रब्बिहिम उनके रब के पास वला खौफुन वो के मनी और ला का मतलब नहीं खौफुन खौफ अलैहिम उन पर कोई खौफ नहीं है जिन्होंने जहाद में अल्लाह की राह में माल लगाया होगा तो दुश्मन का कोई खौफ खतरा नहीं रहेगा राहें आसान हो जाएंगी और अल्लाह ताला माल और दौलत अता फरमाएगा वला हुम यहज़नून और अंदर के जो भी हुज़न और मलाल होते हैं अल्लाह वो भी अता नहीं करता वो और ला नहीं हूँ वो होंगे यहज़नून ये तो मुज़ारे की अलामत व नून जमा की अलामत और हुज़न तो हमारी ज़बान का कलमा है वला हुम यहज़नून और उन्हें वो गमगीन नहीं होंगे। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और ख़र्च करके फिर एहसान नहीं जतलाते ना दुख देते हैं उनके अजर उनके रब के पास हैं उनके लिए किसी रंज और खौफ का कोई मौका है ही नहीं। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत खुद कीजिए अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए क्या बात पूरी अंदर उतर रही है क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें। अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा हदफ है और यह हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।